एक बार सभी लोग धन्यवाद दे दीपाली मैडम को। दीपाली मैम धन्यवाद। यस, उन्होंने याद दिलाया कि कल मैंने बोला था कि इमोशनल बच्चों को कैसे हैंडल करना है वो मैं थोड़ी बात करूंगा, है ना। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की कौन सी एनर्जी ज्यादा है। आई रिपीट, कौन सी एनर्जी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, किसी बच्चे की बॉडी एनर्जी ज्यादा होती है या ना, तो इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक बच्चे, एक्सपीरियंशियल बच्चे, वो हर चीज एक्सपीरियंस से करते हैं। दूसरे वाले बच्चे बातूनी बच्चे, बड़बड़ करने वाले, है ना, बहुत बोलेंगे और बहुत इमोशनल होंगे, ड्रामा वगैरह एक्सप्रेशन के साथ बहुत एक्सप्रेस करेंगे, है ना। तीसरे वाले बच्चे होते जिनकी नजरों से कुछ नहीं बचता, आंखें तेज होती है उनकी, है ना। आपको ये नोट करना है आपका बच्चा किस कैटेगरी का है। अभी इमोशन मैनेजमेंट की मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना देखो दोस्तों। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से बात करता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से बात करता है, शब्दों शब्द और इमोशंस बहुत ज्यादा है उसके, एक्सप्रेसिव है, तो कभी भी उसे शब्दों से नहीं डांटना। जो अच्छे लिंग्विस्टिक बच्चे होते हैं, इमोशनल बच्चे होते हैं, शब्द है ना पकड़ लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को शब्दों से नहीं डांटना है। बट जब आपको उसको अप्रिशिएट करना है, शब्दों से करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपके बच्चे का वोकल कॉर्ड अच्छा है, अच्छी बातें करता है, अच्छा इमोशन एक्सप्रेस करता है, म्यूजिक में रुचि रखता है, तो ऐसे बच्चे को शब्दों से कभी नहीं डांटना। बट प्यार करो तो शब्दों से करना है। तो आप सोचो कि डांटना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लोकमान्य तिलक हूं, है ना, तो कैसे डांटे। तो ऐसे बच्चों को शायद आप थोड़ा धक्का दे सकते हो, टच से वो हर्ट नहीं होगा, ये वाला बच्चा, या आप उनको आंखों से डांट सकते हो ऐसे, है ना, बट शब्दों से नहीं डांटना। ओके, दूसरा वाला बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन वाला, ध्यान से सुनना, उसके ऑब्जर्वेशन इतने अच्छे होते कि उसकी नजर से कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं बचता। मतलब ये वो बच्चा है, स्कूल से आता है, दरवाजे में आते ही आपकी तरफ देखता है और बोलता है मम्मा नवीन नया है ये, ऐसा छोटा वाला इधर उधर देखता है, कुछ भी देखता है, ये कब आया वो कब आया, है ना, जिसकी नजरों से कुछ नहीं बचता, ऐसा बच्चा होता है, हाई ऑन ऑब्जर्वेशन के। अब ध्यान से सुनना, ऐसे बच्चों को आंखों से कभी नहीं डांटना, आंखों से कभी नहीं डांटना, ऐसे बच्चे को ऐसे ऐसे वाले एक्सप्रेशन कभी ना देना, बच्चा लाइफ लॉन्ग याद रखेगा। हाँ, बट ऐसे बच्चों को आंखों से प्यार करना, वंडरफुल बेटा, वाव, है ना, चेहरा बोलना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये बच्चे एक्सप्रेशन मिस नहीं करते ना, तो प्यार वाले एक्सप्रेशन दो। इनको शब्दों से डांट सकते हो, इनको धक्का देके डांट सकते हो, बट प्यार करो एक्सप्रेशन से। आपके चेहरे पे दिखना चाहिए कि बच्चे के प्रति प्यार क्या है। अब तीसरे वाला बच्चा, ध्यान से सुनना, तीसरे वाला बच्चा बॉडी एनर्जी वाला बहुत है, एनर्जेटिक है। अब ये बच्चे को कभी भी धक्का वक्का देके तू जा मेरे से दूर वाले फीलिंग कभी ना देना। इनको डांटना बॉडी के टच से या एक्सप्रेशन से दूर ढकेल के डांटना नहीं, क्लियर सो फार? बट इनको प्यार करने के लिए बॉडी एक्सप्रेशन जरूरी है। इनको टच करो, हग करो, वंडरफुल, ये वो, यानी उनको टच देना, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाले बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बच्चे के ना कई बार ना पेरेंट्स को नहीं पता होता है यार, अनफॉर्चुनेटली। ये कोई सिखाता नहीं, पहले सिखाया जाता था ये सब। अभी मैंने जो बोला ना, मैं कहां से यार, वेदों से तो सीख रहा हूं मैं, सी आई वाज नॉट लाइक दैट ना, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये लुप्त हो गया है। तो अभी आपको भी मेरी मदद करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुंचानी है। मेरा कमिटमेंट है, हर महीने फ्री ट्रेनिंग लूंगा, आप कमिटमेंट करो हर महीने लोगों को भेजना, है ना, तभी तो ये आगे बढ़ेगा ना। आप और हम दोनों पार्टी है ना, पार्टनर्स, यस। तो ये बात होती है दोस्तों, तो इमोशन में ये याद रखना। कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे से बोलता है और माँ बोलती मेरे को तुझसे बात नहीं करनी, बच्चा हर्ट हो जाता है। अरे उसका मेन मेन एक्सप्रेशन का जरिया ही बात करना है। तो बच्चा, बच्चे की हाईएस्ट एनर्जी या हाईएस्ट इंटेलिजेंस, इवन मैंने वो चक्र दिखाया था, हाईएस्ट एनर्जी और हाईएस्ट इंटेलिजेंस में उसको सपोर्ट करना है, उसको प्यार करना है, और लोवेस्ट एनर्जी लोवेस्ट इसमें उसको डांटने वाटने वाला उसमें यूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज क्या हो जाता है, ये जो स्कार होते हैं ना, स्कार, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी माँ ने मुझे ऐसा देखा, मेरी माँ ने मुझे धक्का दे दिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये जीवन भर रह जाते हैं दोस्तों। फिर बात उस ध्रुव जैसी हो जाती है, जिसको उसके सौतेले माँ ने धक्का दे दिया और उसने बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना, और वो बड़ी तपश्चर्या को लग गया। सोचो वो पक्का काइनेस्थेटिक बच्चा था,
एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला बच्चा था, उसको वो धक्का सहन नहीं हुआ और वो बोला मेरे को मेरी जगह से हिलाया कैसे जा सकता है। और फिर उसने बोला ओम नमो वासुदेव भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अटल बनाना। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, जाने अनजाने में ना हम बच्चे की हाईएस्ट एनर्जी में तकलीफ देते हैं, उसको डांटते हैं तो स्कार दे रहे, और लोवेस्ट एनर्जी में प्रेस कर रहे हो तो आपका प्यार उस तक नहीं पहुंच रहा। इंटेलिजेंस जाने बच्चे का, बच्चों को ना खुली आंखों से देखे ऐसे टिंग टोंग, नहीं तो कोई मिस्टर इंडिया वाला गॉगल पहने अगर बच्चे का टैलेंट नहीं दिख रहा है तो, है ना। इफ नीड भी टेस्ट करवा ले, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 5-10 हज़ार से कुछ नहीं बिगड़ता अगर आपके और आपके बच्चे का लाइफ टाइम डेवलपमेंट का बात है। कई सारे लोग ना इन चीजों को शॉर्ट में लेते हैं, यानी घंटे भर का काउंसलिंग वगैरह। पेरेंटिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है दोस्तों, ये 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे की काउंसलिंग नहीं है। एंड दैट इज वेयर आज मैंने मेरे शिष्यों की एक मीटिंग ली, मैं आपको जस्ट अपडेट देता हूँ।